हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से 5G मेथड बाय राहुल सर मैं यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए स्पेशल एवरेज स्पीड यानी औसत गति का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। हम लोगों ने और एवरेज स्पीड के पार्ट 1 में टाइप नंबर 1 देखा था और टाइप सेकंड भी देखा था। आज हम लोग देखेंगे टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। तो हम सबसे पहले जो टाइप सेकंड लिखा है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तीन बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से पूरा करता है तो उसका औसत चाल बतावें। देखिए, इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल बताया था, उसी को हम एक एग्जांपल और आपको बता रहे हैं। क्या है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तीन बराबर भागों में बांटकर, एक स्पीड है 30 किलोमीटर, एक है 40 और एक है 60 से पूरा करता है तो उसका हमें एवरेज स्पीड यानी औसत गति निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तीन को लकीर खींचिए, एक दो और ये आपका हो गया तीन। एक आपका स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 40 किलोमीटर पर आवर और तीसरा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको बतलाया था कि जो स्पीड होगा, जो आपका स्पीड होगा, हम जो उसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आपका दूरी होगा। तो अगर 30, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल कर क्या आएगा, 120 आएगा, यानी कि आपका दूरी निकल कर आ गया 120 किलोमीटर। अगर 30 से 120 में भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार में, इससे भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार में और 60 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार में। तो ये जो निकल कर आया सो आपका यानी समय निकल कर आ गया। तो देखिए, दूरी दिया है, समय निकल गया, औसत गति निकालना है। औसत गति बराबर होता क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय। तो दूरी आपका 120 है तो 120, अब देखिए ऐसा दूरी 3 है, 1, 2, 3 है तो 120 गुणे हो जाएगा 3। अब बट्टा में लिखेंगे कुल समय, तो कुल समय क्या है, 4, 3, 7, 7, 9, ये 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से 40 बार में, आंसर क्या आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर का उसका क्या हुआ, स्पीड होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप नेक्स्ट होगा। टाइप नेक्स्ट में दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, अगला उतना ही दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर दिया है अगला उतना ही दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और अंतिम उतना ही दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत गति बतावें। यानी इसमें भी एवरेज स्पीड निकालना है और एक आदमी जो है एक ही दूरी को, यानी दूरी यहाँ पर इक्वल है लेकिन स्पीड क्या है, अलग अलग है, और स्पीड का संख्या कितना है, 1, 2, 3 और 1, 4, तो दूरी भी क्या होगा, 4 होगा लेकिन इक्वल दिया है, यहाँ पर सर में दिया है अगला उतना ही दूरी, मतलब दूरी यहाँ पर इक्वल है। तो हम यहाँ से
एक दूरी दो दूरी एक तीन हो गया और एक चार हो गया। एक का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, अगला है 15 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपका स्पीड निकल गया मैंने, लेकिन मैंने बताया था कि जो स्पीड का एलसीएम होगा वही दूरी होगा। तो 10 12 15 और 20 अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, यानी कि जो आपका दूरी है दूरी निकल कर क्या आ गया 60 किलोमीटर आ गया। अगर 10 से 60 में भाग देंगे 6 बार में, 12 से 60 जाएगा 5 बार में, इससे जाएगा 4 बार में और इससे जाएगा 3 बार में। तो हमको औसत गति निकालना है, तो औसत गति इक्वल टू होता है कुल दूरी। तो दूरी 60 है तो 60, लेकिन इसका संख्या कितना है 1 2 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 4। अब बटा में लिखेंगे कुल समय तो आपका हो जाएगा समय 6 5 11 या 4 15 या 3 क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा 18। ये जाएगा 3 से 6 बार में, 3 से 20 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 2 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 40/3 किलोमीटर पर आवर, या हम इसको लिख सकते हैं 13.1/3 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या होगा औसत गति होगा, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर दिया है अगला उतना ही दूरी, यानी दूरी यहाँ पर क्या है इक्वल है, अगला उतना ही दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, फिर दिया है अगला उतना ही दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और अंतिम उतना ही दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत स्पीड यानी एवरेज स्पीड निकालना है जब यात्रा उसका कंप्लीट हो गया। तो देखिए दूरी यहाँ पर इक्वल है लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो सभी स्पीड को लिखिए। तो एक स्पीड आपका दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड आपका दिया हुआ है 20 किलोमीटर और एक स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और अगला है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहले 30 20 60 और 10 का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम निकल कर आएगा वही इसका क्या होगा दूरी होगा। तो अगर 30 20 60 10 का हम लोग उत्तम निकालेंगे तो निकल कर क्या आएगा 60 आएगा, यानी जो आपका डिस्टेंस है वो निकल कर आ गया 60 किलोमीटर। अगर 30 से 60 में भाग देंगे दो बार में जाएगा, 20 से 60 जाएगा तीन बार में, 60 से 60 एक बार में और इससे जाएगा कितने बार में 6 बार में। तो हमको निकालना है औसत गति, यहाँ पर दिया हुआ है औसत स्पीड बटा में, तो औसत स्पीड इक्वल टू होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो दूरी इसका 60 है तो 60, लेकिन ऐसा दूरी का संख्या 1 2 3 और 1 4 है, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 4, बट्टा में लिखना है कुल समय, तो कुल हो जाएगा समय 2 और 3 5 4 1 6 और 6 हो जाएगा कितना भाई 12, ये हो जाएगा बट्टा में 12, ये 12 से जाएगा 5 बार का हो जाएगा क्या 5 का 20 किलोमीटर पर आवर जो है सो क्या है उसका स्पीड है औसत स्पीड बराबर क्या निकल के आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। हम लोग देखेंगे टाइप 4 एवरेज स्पीड का टाइप 4 होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि जब दूरी इक्वल रहेगा तो हल किया कैसे जाएगा, लेकिन अब दूरी अलग होगा लेकिन समय इक्वल होगा। तो अब आप लोग हेडिंग बना लेंगे जब जब समय बराबर हो, जब समय भाई साहब क्या हो बराबर हो यानी इक्वल हो। जैसे देखिए
एक आदमी तीन अलग अलग दूरी है, एक आदमी जो है तीन अलग अलग दूरी को इसको पूरा किया 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे को उसने पूरा किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगले को इसने पूरा किया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सबसे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद हम आपको अपना जुगाड़ देंगे, समझिएगा। देखिए यह जो दूरी है इसको इसने पूरा किया 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगला जो दूरी है इसको पूरा किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगला जो दूरी है इसको इसने पूरा किया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ पर क्या है, दूरी इक्वल नहीं है, दूरी इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने हेडिंग बनवाया है कि यहाँ पर क्या हो, जब समय बराबर हो, यानी इसमें समय इक्वल रहेगा। तो देखिए दिया होगा कि जो समय लगता है इसमें 1 घंटा लगता है, इसमें भी 1 घंटा लगता है, और इसमें भी 1 घंटा लगता है, तीनों में समय एक ही लगता है, लेकिन स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो जब स्पीड अलग अलग है और समय एक है तो दूरी आपका भाई क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आप जानते हैं कि दूरी इक्वल टू भाई साहब होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो देखिए फर्स्ट स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और समय है x, यानी इसका स्पीड हो जाएगा 1 गुना x बराबर निकल कर क्या आएगा x, यानी जो इसका दूरी निकल कर आया सो क्या आ गया x आ गया। इसका स्पीड है b का और समय है 1 घंटा, तो इसका जो दूरी निकल के आएगा सो क्या आएगा b गुना x, यानी कि bx हो जाएगा। अगला आपका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और समय है 1 घंटा, तो इसका दूरी हो जाएगा स्पीड इनटू यानी टाइम, तो c गुना x, यानी क्या हो जाएगा cx हो जाएगा। अब हमको निकालना है औसत गति, तो औसत गति इक्वल टू होता है कुल दूरी, तो यहां से यहां तक दूरी है ax, और जो यहां से यहां तक दूरी है bx, और जो यहाँ से यहाँ है आपका क्या cx, तो कुल दूरी आपका निकल कर आ गया ax जोड़ bx जोड़ cx, पट्टा में हम लिखते हैं कुल समय। तो आपका देखिए एक समय दिया है 1 घंटा, एक समय 1 घंटा, एक और है 1 घंटा, यानी कुल आपका हो जाएगा ax जोड़ x जोड़ x। देखिए ऊपर वाले सब में x है, तो अगर ऊपर वाले में से x निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा a जोड़ b जोड़ c, बट्टा में इसको ऐड किया जाएगा x x x मिलाके हो जाएंगे 3x, x x समाप्त हो गया, तो आंसर निकल कर क्या आ गया a जोड़ b जोड़ c बट्टा में 3, यानी कि जो स्पीड होगा हम उसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, अगर हम इसको बनाएंगे जब समय इक्वल होगा तो जो स्पीड होगा हम उसको जोड़ देंगे और उसके संख्या से भाग दे देंगे। तो देखिए एक स्पीड है a का, एक स्पीड है b का, और एक है c का, तो जब हम डायरेक्ट बनाएंगे तो इन सबको लेके जोड़ देंगे और बट्टा में इनके संख्याओं की संख्या से भाग देंगे, तो एक संख्या 2 है 3 है, यानी a जोड़ b जोड़ c बट्टा 3, देखिए यहाँ पर यही आया है और ऐसे भी आपका यही आ गया। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब समय इक्वल दिया हो, जब यहाँ पर क्या हो समय इक्वल हो, तो एवरेज स्पीड यानी औसत गति इक्वल टू हो जाएगा जो स्पीड है उनको जोड़ देंगे और फिर जितना संख्या होगा उससे भाग हम लगा देंगे। हाँ, तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। एग्जांपल है, देखिए समझेंगे, दिया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित समय में पूरा किया, मतलब स्पीड क्या है जी, इसका स्पीड दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर का। फिर आगे है कि अगली दूरी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान समय में पूरा किया, मतलब क्या है समय यहाँ पर इक्वल लगा। फिर दिया है अगली दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उतने ही समय में
पूरा किया, मतलब कि यहां पर सबका समय क्या है, इक्वल है, लेकिन स्पीड क्या है, अलग-अलग है, तो निकालना है तो उसका औसत चाल बता में। तो मैंने बताया था कि जब समय इक्वल होगा और औसत गति निकालना होगा, तो औसत गति निकालने के लिए जो स्पीड होगा हम उसको जोड़ेंगे, तो 12 किलोमीटर पर आवर जोड़ा 18 किलोमीटर पर आवर जोड़ हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब बट्टा में हम इनके संख्या से भाग देंगे तो 1, 2 और 1, 3, तो यहाँ हो जाएगा बट्टा में 3 जोड़ेंगे तो 18 और 12 हो जाएगा 30 और 30 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर बट्टा में 3 से भाग देंगे 20 बार में, आंसर निकल कर भाई साहब क्या आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। उसका क्या होगा, औसत गति होगा, एवरेज स्पीड होगा। चलिए इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, लिखेंगे राम एक निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित समय में पूरा करता है, अगली दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से उतने ही समय में पूरा करता है, फिर अगली दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान समय में पूरा करता है, और अंतिम दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान समय में पूरा करता है, तो उसका औसत चाल बतावें। तो उसका औसत यानी कि स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए, एक राम नाम का व्यक्ति है, राम अपना यात्रा आरंभ किया, तो राम जब यात्रा आरंभ किया तो राम एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित समय में जाता है। फिर दिया है अगली दूरी यानी जो आगे की दूरी है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उतने ही समय में पूरा करता है, मतलब समय यहाँ पर बराबर लेता है। फिर अगली दूरी है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान यानी कि समय में जाता है, और अंतिम दूरी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान समय में पूरा किया, तो उसका औसत चाल बता में, यानी कि राम का औसत गति निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समय इक्वल है। तो मैंने बतलाया कि जब समय इक्वल होगा तो औसत गति निकालने के लिए जो स्पीड दिया होगा उस सबको हम जोड़ देंगे और उसके संख्याओं की संख्या से भाग लगा देंगे। तो एक स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, जोड़ हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, जोड़ हो जाएगा 25 किलोमीटर, और अगला हो जाएगा 45 किलोमीटर बट्टा में, संख्याओं की संख्या 1, 2, 3 और 1 हो जाएगा बट्टा में 4। जोड़ेंगे इसको तो 30 और 20 50, और ये हो जाएगा 70, यानी 70 और 50 क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर
बट्टा में चार ये जाएगा 30 बार में टेंशन निकलकर क्या किया 30 किलोमीटर पर आवर जो है सो क्या है राम का औसत चाल है। चलिए तो अभी हम लोगों ने एवरेज स्पीड में सीखा और समझा बनाया भी कि जब दूरी इक्वल होगा जब समय इक्वल होगा, लेकिन अब एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा कि जब दूरी भी अलग होगा और समय भी अलग होगा तो इस स्थिति में औसत स्पीड निकालेंगे कैसे, तो यदि मान लेंगे जब दूरी और समय अलग अलग हो, यानी कि अब दूरी भी अलग होगा और समय भी अलग होगा, तो इस स्थिति में हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, समझिएगा ये आपका टाइप नेक्स्ट होगा। एग्जाम्पल हम एक लिख रहे हैं, आप भी लिखेंगे, देखिएगा मत लिखिएगा उसके बाद देखिएगा। एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में हो गया, फिर लिखेंगे अगली 42 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में 30 मिनट में अगली 20 किलोमीटर की दूरी अगली 20 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में एवं अंतिम 20 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में हो गया 20 मिनट में तय करता है तो उसका औसत चाल बतावे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन अलग हो गया, सिचुएशन अलग हो गया ऐसे कि यहाँ पर क्या है दूरी भी अलग है और समय भी अलग है। तो एक बात समझिएगा, जब दूरी और समय दोनों अलग अलग है तो जाहिर सी बात है कि आपके स्पीड भी क्या होगा अलग अलग ही होगा। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए आप जानते हैं कि जो औसत स्पीड होता है औसत गति इक्वल टू होता है कुल दूरी, आप यहाँ लिखते हैं बट्टा में लिखेंगे क्या कुल समय, तो हम कुल दूरी में कुल समय से भाग लगा देंगे जो निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा एवरेज स्पीड होगा। तो इसमें हम दूरी इकट्ठा करते हैं, तो देखिए एक दूरी है 18 किलोमीटर, अगला दूरी है 42 किलोमीटर, अगला दूरी है 20 किलोमीटर और जो अंतिम दूरी है वो भी क्या है 20 किलोमीटर है। तो कुल दूरी आपका हो जाएगा 18 किलोमीटर जोर 42 किलोमीटर जोर हो जाएगा 20 किलोमीटर और जोर हो जाएगा 20 किलोमीटर। बट्टा में हमको लिखना है कुल समय, तो देखिए समय एक दिया है 20 मिनट, एक समय दिया है 30 मिनट, एक समय आपका दिया है 50 मिनट और एक समय आपका दिया है 20 मिनट। तो कुल आपका समय हो जाएगा 20 मिनट जोर हो जाएगा 30 मिनट जोर हो जाएगा 50 मिनट जोर हो जाएगा भाई क्या है 20 मिनट। तो ये आपका निकल गया कुल दूरी और यहाँ निकल गया कुल समय, तो इसको ऐड कीजिए तो क्या होगा 18 और 42 हो जाएंगे 60 और 20 80 80 और 100 यानी दूरी आपका हो गया 100 किलोमीटर। बट्टा में लिखेंगे कुल समय तो हो जाएगा 20 और 30 50 और 50 100 और 20 क्या हो गया 120 यानी हो गया 120 मिनट। ए भाई यहाँ एगो लफड़ा है, लफड़ा को शांत किया जाएगा, लफड़ा है क्या
ये स्पीड जो दिया हुआ है वो है किलोमीटर में और जो यानी समय है वो आपका क्या है मिनट में है। तो जब भी स्पीड किलोमीटर में होता है तो हम समय को घंटा में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मिनट में है तो आप जानते हैं कि एक घंटा इक्वल टू होता है 60 मिनट, यानी कि जब मिनट को घंटा में बदलना होगा तो हम उसमें 60 से भाग लगा देंगे तो 120 में भाग देंगे 60 से, 60 से 120 दो बार में और ये जाएगा 2 से 50 बार में, तो निकल कर क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। उसका भाई क्या होगा औसत गति होगा एवरेज स्पीड होगा। तो आखिरी सवाल है भाई आपका, समझिएगा दिया है कि एक व्यक्ति, व्यक्ति माने एक आदमी, एक व्यक्ति 45 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दिया है कि अगला 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एवं 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसका औसत गति बतावे, यानी इसमें भी एवरेज स्पीड निकालना है, लेकिन ये है क्या इसमें दिया हुआ है दूरी और दूरी अलग अलग है और इसमें दिया है स्पीड और स्पीड भी आपका क्या है अलग अलग है, लेकिन औसत गति एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है कुल दूरी अब बटा में कुल समय होता है, लेकिन इसमें कहीं आपका समय नहीं दिया है तो समय आपको निकालना होगा भाई। तो आइए सबसे पहले आप लिख लो कि औसत गति और औसत चाल इक्वल टू क्या होता है कुल दूरी, यहाँ होता है कुल समय। तो सबसे पहले अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी है क्या 45 किलोमीटर, उसके बाद क्या है दूरी जी 60 किलोमीटर, उसके बाद आपका है दूरी 20 किलोमीटर, बटा में आपको समय लिखना है, लेकिन समय तो इसमें है नहीं, तो एक बात बताइए समय इक्वल टू होता क्या है, समय के स्थान पर लिख सकते हैं क्या दूरी बटे चाप, लिख सकते हैं जब हल किया जाएगा तो समय निकल के आएगा। तो दूरी है ये 45 अब बटा में इसका स्पीड क्या है 30, तो इसका निकल गया अधिक समय, जो अगला दूरी है आपका यानी कि 60 किलोमीटर और स्पीड क्या है 40, अगला दूरी है 20 किलोमीटर और स्पीड भाई क्या है 10 का, समय आपका निकल गया, समय बराबर क्या दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 45 और यदि 60 को जब हम मिलाएंगे तो ये निकल कर आएगा भाई कितना जी 45 और 60 105 और 20 हो जाएगा क्या 125 किलोमीटर बटा, अगर इससे हम भाग देंगे तो ये जाएगा 1.5 बार में डेढ़ बार में, इससे भी भाग देंगे तो ये जाएगा डेढ़ बार में और इससे भाग देंगे तो दो बार में, तो कुल हो जाएगा डेढ़ डेढ़ तीन तीन, तो भाई साहब क्या हो जाएगा 5 होगा, तो 125 बटा में हो गया 5 भाग देंगे इससे जाएगा 25 बार में, यानी आंसर निकल कर क्या आ गया 25 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है औसत एवरेज स्पीड है। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।